आज भी केमनिट्स का प्रतीक चिन्ह कार्ल मार्क्स ब्यूस्ट है, जबकि 20 साल पहले ही इस शहर का नाम बदल चुका है। केमनिट्स हमेशा बदलते रहने वाला शहर है। थॉमस बाउअर फ्रीडरिश के लिए बिल्कुल सटीक, 33 साल के फ्रीडरिश 6 साल पहले यहाँ आए। Für mich auch als jungen Menschen ist es natürlich mal reizvoll, nicht in so extrem gefestigte, gewachsene Strukturen. एक युवा के तौर पर मेरे लिए अच्छा है कि मैं कसे हुए विकसित हो चुकी प्रणाली में ना आऊं, बल्कि एक ऐसी तस्वीर में आऊं जहां हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं और ये शहर में संभव है। यहां काफी कुछ नष्ट हुआ था। ये लाइप्ज़िग और ड्रेस्डन दोनों से अलग है, वहाँ काफी पुरानी परंपरा है। यहाँ हम साथ साथ चल सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, हमेशा नया करने की एक स्पिरिट रहती है। Und vielleicht so ein, immer noch so ein gewisser Aufbruchsgeist da ist. Chemnitz में समाजवाद के चिन्ह अब भी देखे जा सकते हैं। विश्व युद्ध में तहस नहस हो चुके शहर में पूर्वी जर्मनी के नेतृत्व में रहने की जगह बनी। कई साल काफी हिस्से यूं ही पड़े रहे, फिर 90 के दशक में पूरी तरह से नई संरचना खड़ी की गई। मशहूर आर्किटेक्ट्स ने शहर का नया सिटी सेंटर बनाया। जर्मनी के हंस कोलहोफ ने गैलरी रोटा डोम रेड टावर बनाए, जो कि एक शॉपिंग मॉल है। आर्किटेक्चर्स के मॉडल को साकार करने के लिए यहाँ काफी जगह थी। इस स्क्वायर के बनने से पहले अगली गली तक सब देखा जा सकता था और सिटी रिंग भी दिखती थी। 90 के दशक के पहले का टिपिकल सेंटर था। अब भी ऐतिहासिक इमारतें बाकी हैं। जर्मन युवाओं की पसंद का कास्पेर्ग, ये काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, यहाँ अधिकतर कलाकार रहते हैं। केमनिट्स कर्मचारियों का शहर है और पहले की ही तरह रोचक बात है कि ये पूर्वी जर्मनी का सबसे संपन्न इलाका है। ड्रेस्डन और लाइप्ज़िग की तुलना में प्रति व्यक्ति आय अच्छी है और बेरोजगारी कम है। केमनिट्स में कुछ देखने लायक जगह भी हैं। पेट्री चर्च, ओपेरा हाउस और कला संग्रहालय हैं जो युद्ध में बचे रहे। कला संग्रह में केमनिट्स के एक्सप्रेशनिस्ट कलाकार कार्ल श्मिट रोथलुफ और गेओर्ग बासेलिट्स के चित्र हैं। जिन्हें कला में नया कुछ पसंद है, उसे गुंजन हावर म्यूजियम देखना ही चाहिए। यहाँ महत्वपूर्ण चित्रकार ओटो डिक्स के चित्र हैं। इस संग्रहालय के लिए म्यूनिक के गैलरिस्ट ने ध्यान दिया है, उन्हें केमनिट्स में अपना संग्रह पेश करने की जगह मिली। डॉक्टर गुंजनहाउजर का संग्रह दुनिया भर में डिक्स के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह है। 60 के दशक से उन्होंने करीब 290 चित्र इकट्ठा किए। ये एक ऐसा संग्रह है जो पूरा है, जो डिक्स के छात्र होने से लेकर उनकी मृत्यु तक का है और एक कलाकार का विकास इसमें देखा जा सकता है। उद्योगपति पहले से यहाँ कला को प्रोत्साहन देते थे। केमनिट्स का लंबा औद्योगिक इतिहास है। सबसे पहले यहाँ का टेक्सटाइल मशहूर था, फिर ये शहर मशीन और प्लांट इंजीनियरिंग के लिए मशहूर हुआ। 20वीं शताब्दी में केमनिट्स कार उद्योग की अहम जगह बनकर उभरा। 30 के दशक में केमनिट्स ऑटो यूनियन यानी कार यूनियन की मुख्य जगह थी। इस इलाके में 4 कार ब्रांड थे। केमनिट्स में वांडरर, स्विकाउ में हॉर्श और ऑडी, और एर्ट्सगेबिर्ग में DKW। और ऑटो यूनियन ओपेल के बाद कार निर्माण की दूसरी सबसे बड़ी जगह थी। केमनिट्स में अब भी कार निर्माण उद्योग रोजगार का सबसे बड़ा साधन है, एक शहर जिसकी अपनी अलग ही लय है। एक तरफ बड़े बदलाव से भरपूर और दूसरी ओर बड़े शहर की आपाधापी भी नहीं तो चूर करने वाले दिन के बावजूद इस तरह के शहर में शांति महसूस की जा सकती है। थॉमस बाउअर फ्रीडरिश को अपना गृह नगर मिल गया है। केमनिट्स आधुनिक शहर, जैसा कि उसे कहा ही जाता है।